2 सितंबर 2022 को इंडिया ने पहले स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़े वॉरशिप INS विक्रांत को अपने नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया। इसको नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ने बनाया है। इसकी कई सारी खूबियां हैं। इसमें एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल है। ये एक समय पर 30 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है। इसका वजन 40,000 टन है। अगर इसका ईंधन फुल कर दिया जाए तो ये 7,500 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 14,000 किलोमीटर यानी ब्राज़ील से कोची तक या कोची से ब्राज़ील तक बिना दोबारा ईंधन भरे जा सकता है। इंडिया से पहले केवल 5 कंट्रीज, US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, ऐसी थीं जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। इसको बनाने में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत आई। अप्रैल 2005 में इसके लिए पहली बार स्टील कटिंग की शुरुआत हुई। फरवरी 2009 में इसकी नींव डाली गई, जिसको शिपिंग की भाषा में लेइंग द कील कहा जाता है। अगस्त 2013 में इसको पहली बार पानी में उतारा गया और जुलाई 2022 में नेवी ने इसको फाइनली एक्सेप्ट किया। इसी वॉरशिप के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल, विंड्स इन द सेल ऑन INS विक्रांत। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रस। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस। आई होप आपने सारे नोट्स ले लिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अब हम बढ़ेंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस की तरफ। किसी चीज के या किसी के सेल में विंड भरने का मतलब है उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि वो ये काम कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन में एक पुश देना। माइलस्टोन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, इट्स एन एडजेक्टिव, जैसे इंडिजिनस प्रोडक्ट, इंडिजिनस वॉरशिप एट्सेट्रा। शिप कमीशनिंग एक सेरेमनी होती है जिससे शिप की फॉर्मल जो एक्टिव सर्विस है उसकी शुरुआत होती है। वायबल का मतलब होता है केपेबल, इट्स एन एडजेक्टिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई, आपने उसका एक सॉल्यूशन बनाया जो कि काम कर रहा है एकदम परफेक्टली, देन इट्स अ वायबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, इट्स अ नाउन। परसिस्टेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दृढ़ता, लगे रहना। मावल का मतलब होता है वंडर, मिरेकल। स्पिन ऑफ, मान लीजिए हम कोई एक काम कर रहे हैं, उससे हमको कुछ और अचीव करना है, पर साथ ही साथ हमें एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिल गया जो कि पॉजिटिव है, तो उसको स्पिन ऑफ कहा जाता है, इट्स अ नाउन। इमर्ज का मतलब उभरना, विच इज अ वर्ब। प्रोएक्टिव का मतलब कोई एक्शंस जो कि बिफोर हैंड ले लिए जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ सालों बाद आपकी कंपनी में रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप उसके लिए पहले से कुछ एक्शंस लेते हैं, तो उन्हें प्रोएक्टिव एक्शंस कहा जाएगा, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहा जाएगा। मैरीटाइम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो समुद्र या शिप से रिलेटेड हो। रिइटरेट का मतलब होता है अपनी बात को दोबारा कहना, एम्फेसाइज करने के लिए, इट्स अ वर्ब। कनंड्रम एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज को डेलिबरेटली रिजेक्ट कर देना, इट्स अ वर्ब। मायोपिया वैसे एक मेडिकल कंडीशन है जिसका मतलब होता है पास की चीजें देखना पर दूर की चीजें साफ ना देखना, लेकिन इसको इस सेंस में यूज किया गया है कि हमें हमारे अंदर दूर दृष्टि नहीं है, वी आर लैकिंग द फोरसाइट। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। दोस्तों, INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल तो हो गया है, पर अभी भी डिफेंस के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर भारत होने का सपना थोड़ा दूर है। इसके 3 कारण हैं। INS विक्रांत इंडिया में ही डिजाइन किया गया और बनाया गया, पर इसके क्रूशल टेक्निकल कंपोनेंट्स विदेश से लिए गए हैं।
इसकी टर्बाइन इंजन्स जी ने बनाई हैं, जिसको एचएल ने इंटीग्रेट किया है। इसके गियर बॉक्स जर्मनी से लिए गए हैं, जिसको एलकॉन ने इंटीग्रेट किया है। दूसरा कारण ये है कि भारतीय नौसेना को अभी भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एटलीस्ट एक इंडिजिनस वॉरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरा कारण ये है कि आज भी हम एडवांस फाइटर प्लेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर निर्भर हैं। वैसे एचएल एक डबल इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, पर वो अभी भी नेसेंट स्टेज पे है और शायद उसको पूरा होने में एटलीस्ट 5 साल का समय लगेगा। लेट्स होप कि हवाई गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि हम इन रोड ब्लॉक्स को जल्दी से ओवरकम कर पाए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एडिटोरियल की एनालिसिस के साथ। टिल देन, अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।